Alright guys, Hamza is here back with another video. Hope you guys are well. And guys, आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आप iPhone परचेज कर रहे हो आपको कैसे पता चलेगा वो बाईपास है या नहीं, तो ये भी एक क्वेश्चन आया था. एंड अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक या आप इन जनरल मेरे से कोई सजेशन लेना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन इंस्टाग्राम, एज अर्ली एज पॉसिबल उसका रिप्लाई दे दूंगा. और अगर वो क्वेश्चन मुझे ज़्यादा आया तो उस पर मैं वीडियो भी बना सकता हूँ लाइक दिस वन. तो गाइस, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ. पहले तो काफ़ी ईजी था बाईपास आईफोन का पता लगाना, लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है बिकॉज अब जो लेटेस्ट बाईपास आईफोन है उसमें सिम भी चलती है. लेकिन गाइस, टू इजीएस्ट वे मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा वो जो फोन है बाईपास है या नहीं. एंड गाइस, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जेवी और फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन पे. तो गाइस, अगर आप सर्च कर रहे हो कैसे पता चलेगा आपको जो आप आईफोन परचेस कर रहे हो वो जेवी है या फैक्ट्री अनलॉक, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो. बट दिस वीडियो इज अ टोटली ऑन बाईपास आईफोन. तो गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बाईपास आईफोन होते हैं, स्पेशली जो अनथ्रेटेड बाईपास होते हैं. अब आप उसमें सिम भी चला सकते हो एंड आप उसमें आईक्लाउड भी यूज़ कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो चुका है उनको पता लगाना. तो गाइस, कभी भी आप आईफोन परचेज करो और आपको नहीं पता चल रहा वो आईफोन बाईपास है या फैक्ट्री अनलॉक्ड है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आपने जाना है सेटिंग्स में. एंड गाइस, सेटिंग्स में यहाँ पे आपने जाना है जनरल में, और जनरल में जाने के बाद आपने जाना है अबाउट में. और अबाउट में जाने के बाद आपने चीज़ जो देखनी है वो ये है कि अगर वो आईफोन लेटेस्ट iOS पे चल रहा है, व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो द लेटेस्ट iOS वर्जन इज iOS 14.0.1. तो गाइस, ये जो है वो लेटेस्ट वर्जन है iOS का और इसमें जो है वो बाईपास नहीं है राइट नाउ व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. होपफुली फ्यूचर में आ जाएगा, बट ये चीज़ आपने चेक करनी है. अगर तो वो लेटेस्ट जो है iOS पे चला, दैट्स मीन वो फोन जो है बाईपास नहीं है. तो गाइस, इससे तो आपको पता चल सकता है, बट इससे जो नेक्स्ट टिप है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है. तो उसके लिए आपने ये करना है, आपने जाना है जनरल में. जनरल में जाने के बाद आपने जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट में. और गाइस, यहाँ पे आपने देखना है अगर आपके जो आईफोन है उसमें अपडेट आई हुई है तो आपने उसको अपडेट करना है. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास जो है 14.0.1 है. तो गाइस, अगर तो वो बाईपास आईफोन है तो उसमें लेटेस्ट iOS वर्जन नहीं होगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट है, दैट्स मीन ये बाईपास आईफोन नहीं है. तो गाइस, अगर यहाँ पे कोई अपडेट आई होती और ये बाईपास आईफोन होता और इसको मैं अपडेट कर लेता तो ये जो फोन है वो दोबारा iCloud पे चला जाता. तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ईजिएस्ट वे है पता लगाने का जो आप आईफोन परचेज कर रहे हो वो बाईपास है या नहीं. सबसे पहले जो चीज़ आपने चेक करनी है वो ये है कि जो उसमें iOS वर्जन लेटेस्ट है राइट नाउ, आप देख सकते हो 14.01 जो है वो लेटेस्ट iOS है, उसमें चल रहा है या नहीं चल रहा. अगर तो उसमें वो लेटेस्ट iOS चल रहा है, दैट्स मीन वो जो फोन है मोस्टली जो है बाईपास नहीं है. तो गाइस, जो दूसरा भी उसमें आपने जाना है सॉफ्टवेयर अपडेट्स में. और यहाँ पे अगर कोई अपडेट अवेलेबल होती है और वो बाईपास आईफोन होता है और अगर आप उसमें वो अपडेट कर लेते हो तो वो जो फोन है दोबारा iCloud पे चला जाएगा. तो ये दो वेज हैं काफी इजी. तो गाइस, एक और लास्ट वे भी है जिससे आपको पता चल जाएगा जो आप आईफोन परचेज कर रहे हो वो बाईपास है या नहीं है. लेकिन उस पर जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स फ्री. और अगर आप मेरे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हो तो ऑल यू हैव टू डू इज यू जस्ट नीड टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट्स इट. एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप भी इस तरह के आईफोन एक्स, आईफोन 7 प्लस या कोई भी आईफोन के केसेस परचेज करना चाहते हो लाइक दिस वन, दिस इज द ग्लास बैक केस एंड दिस वन इज UAG. तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अच्छी क्वालिटी का ग्लास बैक केस है. ये मेरा जो आईफोन एक्चुअली वो स्पेस ग्रे कलर में है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट कलर का ये केस है जिससे पूरी लुक जो है वो चेंज हो चुकी है और ओरिजिनल ही लग रहा है ये केस. यहाँ पे आपको जो साइड्स हैं वो सिल्वर की मिलती हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है. स्पेशली अगर आपका जो आईफोन है वो पीछे से स्क्रैचेस उसमें आ चुके हैं या आपकी जो है बैक टूट चुकी है, तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हो, कहीं से भी नहीं पता लगेगा ये आपने जो है वो केस यूज़ किया है या नहीं. तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का केस है. अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाके परचेज कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड वन मोर थिंग, इट ऑल्सो सपोर्ट वायरलेस चार्जिंग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास वायरलेस चार्जर है और अगर मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ तो ये चार्ज भी हो रहा है, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड थिंग. तो अगर आप परचेस करना चाहते हो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, काफ़ी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा. विद इन वन वीक होपफुली आपको जो है ये केस मिल जाएगा अगर आप परचेस करना चाहते हो. सो गाइस, नाउ लेट्स बैक टू द टॉपिक अगेन. तो गाइस, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट वे पता लगाने का जो आप आईफोन परचेस कर रहे हो वो बाईपास है या नहीं, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में. एंड गाइस, सेटिंग्स में यहाँ पे आपने जाना है जनरल में. एंड गाइस, जनरल में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी रीसेट. और गाइस, यहाँ पे अगर आप कर देते हो इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स, तो जितना भी कंटेंट और सेटिंग्स हैं इस फ़ोन की वो रिमूव हो जाएगी और अगर ये फ़ोन बाईपास हुआ तो वो दोबारा iCloud पे चला जाएगा. तो गाइस, ये इजीएस्ट वे थे पता लगाने का जो आप आईफोन परचेज कर रहे हो वो बाईपास है या नहीं. तो अगर आप उसको अपडेट करते हो तो वो दोबारा iCloud पे चला जाएगा, और अगर यहाँ पे आप इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स करते हो तो वो भी दोबारा iCloud पे चला जाएगा. और अगर ये फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन हुआ तो नॉर्मली जैसे आप आईफोन परचेज करते हो न्यू, यहाँ पे कुछ आपको एप्पल आईडी डालनी पड़ेगी और वो होम स्क्रीन पे आ जाएगा लाइक दिस. तो गाइस, ये इजीएस्ट वे थे पता लगाने के जो आप आईफोन परचेज कर रहे हो वो बाईपास आईफोन है या नहीं. और बाईपास
बाईपास से रिलेटेड मैं ऑलरेडी ही काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। बाईपास आईफोन आपको परचेज करना चाहिए या नहीं, इसके प्राइस क्या है पाकिस्तान में, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एडवांटेजेस है, आई कवर ऑल दोज टॉपिक्स। तो अगर आप बाईपास आईफोन से रिलेटेड और भी कॉन्टेंट देखना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। और मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा अगर आप फ्यूचर में बाईपास आईफोन परचेज कर रहे हो या स्पेशली गेमिंग के लिए परचेज करना चाहते हो तो आप वो वीडियोज लाजमी देखो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू बाईपास आईफोन या आप कोई सजेशन चाहते हो मेरे से बाईपास आईफोन से रिलेटेड या कोई भी इन जनरल आईफोन से रिलेटेड, तो आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, एज अर्ली एज पॉसिबल मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। दिस इज माई इंस्टाग्राम, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर। होप यू गाइस सीन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।